नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, अभी तक हमने प्रत्याहार के बारे में अध्ययन नहीं किया था। अभी तक हमने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया था। आज हम माहेश्वर सूत्र का पार्ट प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र के सूक्ष्म रूप को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। व्याकरण में प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूह को अभिसिप्त शुरू से संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है। जैसे अण से अ, इ, उ और अच से समग्र स्वर वर्ण अ, इ, उ, रि, ऋ, ओ और औ इत्यादि। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंते संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया है। आदिरंते संहिता आदि वर्ण अंत्यनेतायिता अंतिम इत वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप से बोध कराता है। उदाहरण अच प्रथम प्रत्याहार है अण। इसका माहेश्वर सूत्र अ इ ऊण अण में आई ऊण माहेश्वर सूत्र के आदि वर्ण है को चतुर्थ सूत्र ए औच के अंतिम वर्ण चय से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अच से लेकर इत संज्ञक चय के पूर्व आने वाले औ प्रत्याह सभी अक्षरों का बोध कराता है। अच अ इ उ रि रि ए औ औ इसी तरह हल प्रत्याहार की सिद्धि 5वें सूत्र हयव्रत के आदि अक्षर है को अंतिम 14वें सूत्र हल के अंतिम अक्षर ल के साथ मिलने अनुबंध से होती है। हल है ये वह र ल य म ड न न झ भ घ ढ ध ज व ग ड ध ख फ छ ठ थ च ट त क प श स ह। सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा पाणिनि ने की है। इत इण धातु से गमनार्थ में निष्पन्न पद है। इत संज्ञक वर्णों का कार्य अनुबंध बनाकर अंत में निकल जाना इत संज्ञा होने से इन वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध हेतु किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता। किन वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती या इत संज्ञा होती है, इसका निर्देश पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया है। उपदेश अनुनासिक इत उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है। उपदेश सूत्र पाठ धातु पाठ गण पाठ उणादि पाठ प्रत्यय आगम आदेश इत्यादि धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंग अनुशासन आदेश आगमश्च उपदेशा प्रकृतिता अनुनासिक मुखनासिको अनुनासिक वचना अर्थात जिन वर्णों का मुख एवं नासिका दोनों की सहायता से किया जाए। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने जिन वर्णों की अनुनासिकता का निर्देश किया है वही अनुनासिक मन माने जाते हैं। हलंत्यम उपदेश में अंतिम हल व्यंजन वर्ण इत होता है, लेकिन
विभक्ति में अंतिम तकार सकार तथा मकार का लोप नहीं होता। इसका सूत्र नय विभक्त तुष्मा इति संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र आदि नि प्रत्यय लशक व तद्दिते चूटु इति संज्ञा होने से इन वर्णों का लोप तस्य लोप सूत्र से होता है। लोप का अर्थ है आदर्शनम लोप है फलत है। इति संज्ञा वाले वर्ण विद्यमान रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते, इनकी गणना नहीं की जाती। प्रत्याहार के महत्ता एवं उपयोग पाणिनीय कोप को जब भी अक्षर समूह विशेष की आवश्यकता होती है वे सभी अक्षरों को पृथक पृथक कहने की बजाय उपयुक्त प्रत्याहार का प्रयोग में समावेश कर देते हैं जिसमें अक्षरों का समावेश होता है। पाणिनीय द्वारा एक विशिष्ट संज्ञा का गुण परिभाषा देते हैं। आदि गुण यहाँ आदि व्यंजन संधि इसका एक प्रत्याहार उदाहरण है। माहेश्वर सूत्र ए ओं आदक्षर एवं अंतिम ने के संबंध में यह प्रत्याहार बनता है। एक के अंतिम अक्षर की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने से उसका लोप हो जाता है। उदाहरण एको यणचि यदि अच परे हो तो एक के स्थान पर यण हो जाता है। ए ओ ए ओ ए औ यदि पाणिनीय प्रयुक्त प्रत्याहारों का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें कहना पड़ता है यदि अ ई ओ री के बाद अ ई ओ री री ए ओ ए औ रहते तो ई ओ री तथा री के स्थान पर क्रमशः य व र ल होता है। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे।